दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सभी जाने अनजाने तनाव से ग्रस्त हैं। तनाव की वजह चाहे छोटी हो, तुच्छ हो या बड़ी, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तनाव के कारण जिंदगी बोझ लगने लगती है, पर इससे उबरने का एकमात्र उपाय है स्वयं को समझना, स्वयं को उत्साहित रखना व किसी भी परिस्थिति में जीवन को सर्वोपरि समझ उसकी छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए, छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता ढूंढते हुए हर पल खुश रहने व प्रसन्न होने की मानसिकता विकसित करना। कुछ बातें हैं जिनसे हम दुखी होते हैं, उन पर गहन मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सोचने की जरूरत है कि क्या ये बातें जिनका हम तनाव लेते हैं इतनी बड़ी है कि हम उन्हें महत्व दे देकर खुद की खुशियां प्रसन्नता बिगाड़ रहे हैं। पहली बात है, लोग क्या कहेंगे। हमारा हर काम अपने हिसाब से जो उचित हो होना चाहिए। आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते, इसीलिए जिसमें आपका, आपके परिवार का, समाज का हित हो कीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी का लुफ्त उठाते हुए जिंदगी का सफर तय कीजिए। दूसरी बात, लोगों को बदलने की अपेक्षा रखना। हम किसी को बदल नहीं सकते, हर कोई अपने विचार व स्वभाव अनुसार ही व्यवहार करेगा। अतः लोगों को बदलने का प्रयास कर दुखी होने से अच्छा है कि हम स्वयं में बदलाव लाएं। तीसरी बात, असफलता का डर। हर कार्य को उचित ढंग से पूर्ण मेहनत व लगन से करना भर हमारे हाथ में है। सफल असफल होना परिस्थितियों व कुछ हद तक भाग्य द्वारा निर्धारित होता है, अतः असफल होने का डर फिजूल है। चौथी बात, लोगों से अपेक्षा रखना। अधिकतर दुख व निराशा हाथ लगती है जब हम बच्चों, परिवारजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों से अपेक्षाएं रखने लगते हैं। किसी से कोई अपेक्षा ना रखते हुए अपने कर्तव्य पूर्ण करना आपको अधिक खुश रखेगा। पांचवी बात, अपनी तकलीफ को अधिक समझना। कुछ लोगों को लगता है कि वे ही सबसे ज्यादा पीड़ित, प्रताड़ित हो अन्याय को सहन कर रहे हैं। दूसरों के दुखों व परेशानी के आगे अपनी परेशानी कितनी छोटी है, इसे स्वयं को समझने से ही सदा प्रसन्न रहा जा सकता है। छठी बात, दूसरों से तुलना करना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम हमारे जीवन व परिस्थितियों की दूसरे से सदैव तुलना करते रहते हैं। फिर वे चाहे हमारे भाई बहन हो, सहकर्मी, पड़ोसी या रिश्तेदार। जिस दिन हम अपनी उपलब्धियों व सफलता में खुश होना और उससे भी ज्यादा दूसरों की खुशी में, सफलता में सच्चे मन से सहभागी होना सीख लेंगे, यकीन मानिए सभी तनाव दूर हो, अजीब सी खुशी का अनुभव होगा।
सातवीं, हर समस्या का समाधान है। आठवीं, कुछ समय बीतने के बाद समस्या की गंभीरता स्वयं ही कम हो जाती है। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन का हर क्षण पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित, ईश्वर द्वारा निर्धारित है, तो हमें चिंता करने की, तनाव लेने की क्या आवश्यकता है? अपने प्रयत्नों और प्रयासों से हमें केवल और केवल परिस्थितियों को धैर्य, साहस व उच्च मनोबल से सामना करते हुए उन्हें अनुकूल बनाने व उन्हीं परिस्थितियों में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीत के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा हो, पर हार स्वीकारने की भी मानसिकता विकसित करनी चाहिए। अधिक से अधिक अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों की अच्छाई की सराहना करें। ईश्वर में आस्था रखने और उसके प्रति समर्पित भाव से जीने से एक अजीब सा आत्मविश्वास और निश्चिंतता का भाव उत्पन्न होता है और हम प्रसन्न रहते हैं। प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति के वासिंदों के तरह तरह के रूप, पेड़ पौधे, नदी, झरने, समंदर, पक्षियों के विविध रंग, फूलों की सुंदर विभिन्न रचनाएं, फलों के तरह तरह के स्वाद जीवन की अद्भुतपूर्ण खुशियां लुटाने में सक्षम है। इनका मोल करना सीखिए। समय निकालकर आत्म अवलोकन करें, अपनी कमियां उदारता से स्वीकारें और दूसरों के गुणों की खोलकर प्रशंसा करने से धीरे धीरे आत्मिक सुख मिलेगा और तनाव दूर होंगे। ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, जलन, दूसरों की तुलना करके दुखी होने की प्रवृत्ति केवल और केवल तनाव ही देती है। अतः स्वयं को समझाकर इससे दूर रहें। कोई दूसरा आपको खुश रख सके, कर सके, यह मुमकिन नहीं। स्वयं खुश रहना सीखिए। जीवन के हर छोटे बड़े प्रसंग को, घटना को, उपहार को, ईश्वर प्रदत्त शरीर सौष्ठव, घर परिवार, बच्चों व मित्रों के साथ को अपना अहोभाग्य मान स्वीकारें और खुश रहें। अतः इतना समझ ले कि सुख दुख, हार जीत, सफलता और विफलता जीवन का अहम हिस्सा है। इन्हीं के साथ से जीवन को गति मिलती है। ईश्वर प्रदत्त जीवन एक वरदान है। इसके हर पल को चुनौती समझ सहजता और सरलता से खुशी खुशी जीवन को बिताइए। आनंद और उल्लास से भरे रहें। पता नहीं कब जीवन संध्या आकर जीवन समाप्त हो जाए। अतः स्वयं खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि मन के जीते जीत हैं। मन को हारने मत दीजिए।